हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर किए आइए हम बनाते हैं स्मोकी सा बैंगन का भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंगन के भरतों के लिए मैंने दो मीडियम साइज के बैंगन लिए हैं और इन बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इन बैंगन में एक चाकू की मदद से गहरे गहरे कट्स लगा देंगे। देखिए, इस तरह से मैं बैंगनों में दो तीन कट्स लगा दूंगी। कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे बैंगन जो है वो अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, मैंने अच्छी तरह से गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं। अब हमें बैंगनों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर के बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। दूसरे बैंगन में भी मैंने अच्छी तरह से तेल लगा दिया। ऐसा करने से बैंगन जो है उसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। अब हम अपने बैंगनों को भून लेते हैं। तो बैंगनों को भूनने के लिए यहाँ पर मैंने एक जाली का यूज किया है। जाली यूज करने से आपकी गैस खराब नहीं होगी। गैस ऑन करके मैंने इसकी फ्लेम को धीमा कर लिया है और अब हम इसमें अपने बैंगन को रख देंगे। मैंने दोनों बैंगन एक साथ रख दिया है। अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर और दो हरी मिर्च लिया है। अब इसे हमें बारीक बारीक काट लेना है। जब तक हमारे बैंगन भून रहे हैं तब तक हम इनको काट करके रख लेते हैं। तो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया भी काट लिया है। हरे धनिये को मैंने अच्छी तरह से पानी में धोकर और फिर बारीक बारीक काट दिया। हरे धनिये से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और आपकी सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। बैंगन एक साइड से भुन गए थे तो मैंने उसका साइड चेंज कर दिया और दूसरी तरफ से भी हम बैंगनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच मैंने धीमी ही कर रखी है क्योंकि धीमी आंच में बैंगन जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो मैं बीच बीच में बैंगनों को अलट पलट करके भून रही हूं। तो बैंगन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस टाइम पे बैंगन बहुत ज्यादा गर्म है तो हम इसका छिलका आसानी से नहीं उतार पाएंगे। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। देखिए, मैं एक फोर्क की हेल्प से ये देख रही हूँ कि बैंगन अंदर से कच्चे तो नहीं है। तो देखिए, हमारे बैंगन बहुत अच्छी तरह से अंदर से भी सॉफ्ट हो चुके हैं, कहीं पे भी हमारा बैंगन कच्चा नहीं है। तो देखिए, बैंगन हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसके छिलके को इस तरह से हटा लेते हैं। हमने भूनने से पहले बैंगन के ऊपर में थोड़ा सा तेल लगाया था और उस तेल की वजह से ही बैंगन के छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको बैंगन के छिलकों को उतार लेना है। मैं दोनों बैंगन के छिलकों को उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बैंगन को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके सारे छिलकों को उतार दिया है और जो इसके साइड का ये पोर्शन होता है इसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए, अब हम बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो किसी फोर्क की सहायता से भी मैश कर सकते हैं।
ये देखिए हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे तरीके से भुने हैं और ये पूरी तरीके से गल चुके हैं। हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर देंगे। बैंगन को भूनने के बाद और उसके छिलके को उतारने के बाद में आपको इसे धोना नहीं है, क्योंकि अगर आपने बैंगन को धो दिया तो जो इसके छिलके थोड़े से रह जाते हैं उसी से ही हमें एक स्मोकी फ्लेवर मिलता है, जो कि बैंगन के भरते को एक अलग टेस्ट देता है। तो आप बिल्कुल भी बैंगन को भून के और छिलके उतार के बिल्कुल उसे धोए नहीं। देखिए बैंगन बहुत अच्छे से मैंने मैश कर दिया है और अब चलिए बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करते हैं। तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है और जैसा आप देख सकते हैं तेल का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चुटकी हींग लिया है, ये मैंने हींग डाल दिया। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, तो ये मैंने जीरा भी डाल दिया। अब इसमें हमें 1/2 छोटा चम्मच सौंफ भी ऐड कर लेना है। सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और साथ ही इसका फ्लेवर भी एनहेंस हो जाएगा। जब सौंफ और जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें बाकी का मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा जीरा और सौंफ अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अपनी कटी हुई प्याज को ऐड करेंगे। ये मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत पकाना नहीं है, उसका क्रंचीनेस हमको रखना है। साथ ही में हरी मिर्च आप ऐड कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी हमें ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें येलो कलर नहीं, हमें रेड कलर चाहिए। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 2 चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, तो ये मैंने 2 चम्मच भी धनिया पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी। अब हमें सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए मैं अपने मसाले अच्छी तरह से भून रही हूं। मैं यहाँ पे बिगनर्स को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। बिगनर्स जो होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मसाला भुन चुका है? तो एक तो मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और दूसरा ऐसे बबल्स आ जाएंगे, तेल में से बबल्स आपको दिखेंगे। अब हम इसमें अपना कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से बाकी मसालों के साथ भून लेंगे। टमाटर डाल करके हम मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है और इसने किनारों से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी बाकी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं और अब इसमें हम बैंगन को ऐड करेंगे।
तो ये मैंने बैंगन को ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए अपने मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए करीब 2 या 3 मिनट भूनना है। जब बैंगन मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि मैं इसे अच्छी तरह से भून सकूं। हमने हाई फ्लेम पे अपने बैंगन के भरते को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम गैस स्लो कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा बैंगन का भरता कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, हमारे बैंगन के भरते में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इसने किनारों से तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब कि हमारे बैंगन के भरता अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें हम आखिरी में अमचूर का पाउडर ऐड कर रहे हैं। अमचूर का पाउडर और जीरे का पाउडर दोनों ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन मसालों को भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारा बैंगन का भरता ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। तो ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो ये हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आइए इसको सर्व करते हैं। बैंगन के भरते को आप रोटी, पराठा, पूड़ी, चावलों के साथ खा सकते हैं और सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप बैंगन का भरता किसके साथ खाना पसंद करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।